क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 14 तक आगे के सारे क्वेश्चंस में प्रूव दैट है, सिद्ध करना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 7 है अपना साइन 65 माइनस कॉस 25, और आपको आंसर लेके आना है आरएचएस में 2 cos 25 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही चीज, 65 और 25 इन दोनों का सम करने पर हमारे पास में कितना आ रहा है 90। इसका मतलब हम यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा है कॉस 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। आरएचएस लेके चलेंगे हम, आरएचएस स्टार्ट करेंगे और आपका आंसर क्या आ जाना चाहिए 2 cos 25। तो यहाँ पर 65 और 25 दोनों में दोनों का सम मिलेगा 90 आ रहा है, इसलिए हम किसी एक को चेंज कर रहे हैं। साइन 65 लाने के लिए हम 90 में से कितना माइनस करें 25, 90 माइनस 25 करने पर वापस पे आ जाएगा 65 आ जाएगा, और प्लस कॉस 25। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा, यहाँ पर साइन 90 माइनस 25 तो यहाँ आ जाएगा कॉस 25 और प्लस cos 25, cos 25 और cos 25 को प्लस करने पर वो हो जाएगा 2 cos 25। ये आ गया 2 cos 25। आपको ये आंसर लेके आना था, LHS is equal to RHS। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 9 में sin 35 sin 55 माइनस cos 35 और cos 55 और इक्वल का आंसर कितना आना चाहिए 55 और 35 का सम करने पर 90 होता है, और 55 30 में यहाँ पर भी 90। इसका मतलब आपको यहाँ पर भी 90 माइनस सीटा वाला फॉर्मूला लगाना है और यहाँ पर भी 90 माइनस सीटा वाला फॉर्मूला ही लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर साइन एलएचएस लिखेंगे पहले हम, 35 को हटा के हम क्या ले सकते हैं, 35 की प्लेस पर हम 90 माइनस 55 लिख सकते हैं। 90 में से 55 माइनस करेंगे तो वापस कितना आ जाएगा 35, और इसको एज इट इज लिखेंगे साइन 55 माइनस कॉस 90 माइनस 55 और कॉस 55 दोनों में से किसी एक को चेंज करना होता है, इसलिए हमने इन दोनों का सम 90 था तो एक को चेंज कर दिया, इन दोनों का सम भी 90 था इसलिए हमने एक को चेंज कर दिया। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस 55 और साइन 55 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, यहाँ आ जाएगा साइन 55 और cos 55, sin 55 cos 55 प्लस में भी है और sin 55 cos 55 माइनस में भी है, इसलिए इससे ये कैंसिल, लास्ट में और आंसर क्या आ जाएगा 0, और आपको आंसर 0 ही लेके आना था। LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, अब है हमारे क्वेश्चन नंबर 9, cos 70 अपॉन sin 20 cos 59 अपॉन sin 31 माइनस 8 sin स्क्वायर 30 डिग्री, और आपको यहाँ पर भी आंसर में कितना लेके आना है 0 लेके आना है। 70 प्लस 20 90 आ रहा है, 59 प्लस 31 करने पर भी 90 आ रहा है, और sin 30 जिसकी वैल्यू हमारे पास में उस टेबल के अंदर है तो वहां से हम डायरेक्ट sin 30 वैल्यू पुट कर देंगे। LHS इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, cos 90 माइनस 70 लाने के लिए अपन कितना माइनस करें 90 में से 20 माइनस करेंगे, और साइन 20 प्लस कॉस 59 तो 90 में से हम माइनस करेंगे 31 तो हमारे पास कितना आ जाएगा 59 और अपॉन में है साइन 31 और माइनस 8 साइन 30। साइन 30 की वैल्यू है मेरे पास में 1/2 और इसके ऊपर स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगा देंगे 1/2। तो ये वैल्यू मैंने उस टेबल में से लिखी जो मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, थीटा थीटा की जगह कितना है 20 और अपॉन में साइन 20 प्लस cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा की जगह 31 और अपॉन में साइन 31 माइनस 8 इंटू 1/2 स्क्वायर करेंगे तो 1/4 और 4 1 4 और 4 2 8 ये अलग है पूरा। ठीक है, साइन 20 से साइन 20 कैंसिल, साइन 31 से साइन 31 भी कैंसिल, कैंसिल होने के बाद में यहाँ पे बचा 1, ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पर भी बचा 1 माइनस यहाँ पे 2 1 2 तो ये हो जाएगा 1 + 1 2 2 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, हमें 0 लेके आना था, हमारा आंसर आ गया 0। तो LHS इज इक्वल टू RHS।